हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब व्लॉग्स में। तो जनवरी का महीना चल रहा है और मैं अभी शिमला और नारकंडा का ट्रिप मार के आया हूँ दोस्तों, तो उसकी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैंने गाज़ियाबाद से शिमला तक की पूरी रास्ते की वीडियो बनाई है। तो आप देखोगे पूरी रोड ट्रिप है और आप देखो सुबह के टाइम कितना ज़्यादा कोहरा यहाँ पर हो रखा था, तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ये। इसके अलावा फिर शिमला से नारकंडा और नारकंडा में जो स्नोफॉल हमें देखने को मिली, बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल थी, उस वीडियो को मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से मैं अलग अलग पार्ट में बना रहा हूँ। ये पहला पार्ट है मेरा शिमला तक का। तो दोस्तों बाकी जितने भी पार्ट हैं उसका इंतज़ार करना, ऐसे छोड़ना मत, क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलेगी। तो बाकी पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो लाइक कर देना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है शुभम और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube व्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह का लगभग 3:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हो पीछे किस तरह का फॉग भी है। देख रहे हो ना आप कैसा मौसम हो रहा है। तो 3:30 बज रहे हैं और फॉग हो रहा है और मैं आपको बता दूं अभी आधे घंटे बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैं फैमिली के साथ आधे घंटे बाद निकल रहा हूँ शिमला के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शिमला के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी मेरी दीदी भी आ रही है, तो इस वैसे तो उम्मीद थी नहीं कि इस तरह से फॉग पड़ेगा, पर पड़ गया, क्या कर सकते हैं। पर फिर भी निकलते हैं अभी आधे घंटे में और तो चलिए चलते हैं। रास्ते में भी वीडियो बनाऊँगा तो फॉग देख लेंगे रास्ते में कैसा है, क्या पता इधर थोड़ा ज़्यादा हो दूसरी जगह ना मिले, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, अपना चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अब यहां से। आप देख सकते हो अभी भी रात हो रखी है और ठंड बहुत ज्यादा थी यहाँ भी दिल्ली भी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा चल के 2-4 घंटे चल के तब हम ब्रेकफास्ट करेंगे रास्ते में कहीं। अब हम लोग पहुंच गए हैं NH1 पर जो दिल्ली से लुधियाना जाता है। फॉग बहुत ज्यादा था इस पर, तो आप देख सकते हो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी चलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रास्ते में हमें कुछ एक्सीडेंट भी देखने को मिले, तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा हमेशा गाड़ी संभल के चलाएं, फॉग हो चाहे ना हो। दोस्तों इतना ज्यादा फॉग था कि आगे 1-2 गाड़ी से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और स्पीड हमें मेंटेन रखनी थी वरना हम पहुंचने में लेट हो जाते। हम लोगों ने करनाल क्रॉस करने के बाद डिसाइड किया कि हम लोग अभी फॉग की वजह से यहाँ रास्ते में नाश्ता नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सीधा शिमला हाईवे की तरफ रुक किया। आप देख सकते हो शिमला हाईवे कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ये हाईवे कालका को बाईपास करता है, जीरकपुर से आगे बहुत अच्छी सड़क है, 4-लेन सड़क है और ये लगभग 20-25 किलोमीटर की ऐसी सड़क है जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। सोलन क्रॉस करने के बाद हाईवे थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे रोड बहुत अच्छी है और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग दोस्तों थर्सडे को ही निकल गए थे वीकेंड से 1 दिन पहले, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे बहुत ही हैवी स्नोफॉल बताई हुई थी मौसम ने, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थर्सडे को ही निकल गए और स्नोफॉल होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। शिमला पहुँचने में थोड़ी देर थी, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर अभी तक इस तरह का मौसम बना नहीं है बारिश का
जिसकी वजह से हो सकता है स्नोफॉल ना हो। दोस्तों बीच में रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू शिमला के लिए निकल गए। दोस्तों जैसा हमें अंदाज़ा हो रहा था, आप देख सकते हो सामने शिमला है और स्नोफॉल के कोई चांसेस हमें दिख नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शिमला स्टे नहीं करेंगे। हम लोग शिमला को क्रॉस करके सीधा नारकंडा हम पहुंचेंगे। दोस्तों शिमला से नारकंडा 4 घंटे का रास्ता है। आप गूगल मैप पे देखोगे तो कम का दिखाएगा, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आपको 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे। शिमला में मौसम बहुत साफ था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम नारकंडा जाएंगे, क्योंकि हमारा मिशन था स्नोफॉल देखना। तो शिमला को बाईपास करते हुए हम लोग कुफरी जा रहे थे और कुफरी के बाद सीधा नारकंडा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब हम नारकंडा से वापस आएंगे तब हम शिमला घूमते हुए आएंगे, और हो सकता है जब तक शिमला में स्नोफॉल भी हो जाए। दिल्ली से शिमला और शिमला से नारकंडा पहुंचने में हमें दोस्तों लगभग 13 से 14 घंटे लग गए। ये मेरी वीडियो दिल्ली से शिमला तक की है। शिमला से नारकंडा की ट्रिप आप इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों ये तो मेरा पहला पार्ट जो गाजियाबाद से शिमला तक का था। इसमें आपने देखा कि रास्ते में कितना ज़्यादा मेरे को फॉग मिला, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शिमला ना जाके सीधा नारकंडा पहुँचेंगे। तो मैंने अभी जो वीडियो डाली है वो गाजियाबाद से शिमला तक की डाली है। इसके बाद मैं अगले जो पार्ट डालूंगा उसमें शिमला से नारकंडा की ट्रिप डालूंगा, जिसमें हमें थोड़ी थोड़ी स्नो देखने को मिली। तो अगले दिन जो स्नोफॉल हुई बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तीसरे पार्ट में। इस तरह मैं कुछ पार्ट लेके आने वाला हूँ वीडियो के। तो दोस्तों मेरे जितने भी पार्ट हैं सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पूरी सीरीज़ देखने को मिलेगी आपको नारकंडा ट्रिप के, और आप देखोगे कितना खतरनाक कितना ज़बरदस्त स्नोफॉल है वहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर चलता हूँ मैं अभी, और सेकंड पार्ट का इंतज़ार करना, 1-2 दिन में ही आ जाएगा सेकंड पार्ट भी। और आप कुछ दिन बाद भी आप देख सकते हो इसको, सारे पार्ट आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए चलता हूँ, इसके बाद भी मिलते रहेंगे नई नई वीडियोज़ के साथ। चैनल को जो है भाई सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना।